विजयते श्री कल्याण राय प्रभु षष्ठ पीठाधीश्वर पूज्यपाद 108 श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री की कृपा से एवं युवा वैष्णवाचार्य श्री आश्रय कुमार जी महोदय श्री एवं श्री शरणम कुमार जी महोदय श्री के मार्गदर्शन में पुष्टि टीवी के माध्यम से सामग्री द डिवाइन टेस्ट में सीजन 2 के अंतर्गत आज हम सखड़ी में बनती सामग्री कांजी वड़ा बनाना देखेंगे। अन्नकूट में विशेष रूप से प्रभु को सामग्री रोगाई जाती है। इसके अलावा हर एक बड़े उत्सवों पर कांजी वड़ा विशेष रूप से प्रभु को आते हैं जो राजभोग में रोगाए जाते हैं। बहुत सरलता से बन जाती है सामग्री है, तो देखते हैं हम इसकी बनाने की विधि। यहाँ पर उड़द की दाल को मैंने 5 से 6 घंटा के लिए भिगो दी थी और फिर उसे पीस ली है। उसमें जल बहुत कम मात्रा में मैंने लिया है। इसके अलावा राई का भूखा जिसे हम सरसों कहते हैं, सरसों का भूखा जो हम जनरली तड़का में जो राई वापरते हैं उसी को मैंने मिक्सी में पीस लिया है, दरदरा रखना है। सेंधा नमक, हींग, काली मिर्च मतलब श्याम तीखा और नींबू का रस और जल। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखा है। तो सबसे पहले इसमें हम लौंग पदरा के इसे अच्छे से फेंट लेंगे। इसमें हमें आथा नहीं आने देना है। जब हमें ये वड़ा तलने हो तभी ही दाल को पीसनी है। अगर आथा आने देंगे तो अंदर बहुत ही तेल एब्जॉर्ब होगा। इसमें हमें कोई भी सोडा, बेकिंग पाउडर वगैरह नहीं पधराना है। दो से तीन मिनट इसे हमें फेंटेंगे तो बढ़िया से नरम वड़े तैयार होंगे। यहाँ पर तेल भी गर्म हो गया है तो इसके हम वड़े उतारेंगे। वड़े पधराते समय हमें आंच तेज रखनी है। तो इसमें हमने सारे वड़े पधरा दिए हैं और अब हम आंच मीडियम कर लेंगे और मीडियम आंच पर हम इसे लाल होने तक तलने हैं। वड़े तल के तैयार हो रहे हैं तब तक हम कांजी बनाना देखेंगे। यहाँ पर अंदाज से 1.5 लीटर जितना हमने जल लिया है। इसमें हम 1/4 चम्मच जितनी हम हींग पधराएंगे। पाव चम्मच श्याम तीखा को पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर जिसे हम बोलते हैं। 2 चम्मच राई का भूखा मस्टर्ड पाउडर। नमक और 1 नींबू का रस बढ़िया से मिला लेंगे। अब इस जल को हमें ढक के अंदाज से 12 से 15 घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए देना है, तो जो कांजी का जो फ्लेवर है वो बहुत बढ़िया आएगा। तो मैंने पहले से यहाँ जल तैयार करके रखा है और हो सके तो इसे हमें मथनी में तैयार करना है। वड़े पलट लेते हैं। वड़े अपने बढ़िया से तल के तैयार हो गए हैं तो इसे अब हम बाहर पधरा लेते हैं।
अब वड़ों को अंदाज से आधे घंटे के लिए हमें ठंडा होने के लिए रखना है। रूम टेम्परेचर आने के बाद ही हमें इसे कांजी में पधराना है। यदि गरम गरम में हम इसे पधरा देंगे कांजी के जल में तो अंदर से गट्ठा पड़ जाएगा और सामग्री प्रभु लायक नहीं बनेगी, इसलिए रूम टेम्परेचर पर आए फिर ही इसे हमें जल में भिगोना है। तो वड़े अपने रूम टेम्परेचर पर आ गए हैं, तो इसे अब हम कांजी में पधराएंगे। अच्छे से जल नीचे से हिला लेंगे। अब इसे अंदाज से आधे घंटे भीगने के बाद भोग में धरना है। तो तैयार है अपनी कांजी वड़ा की सामग्री, जो प्रभु को अवश्य रूप से अन्नकूट में भोग में आती है। तो इसी प्रकार की अन्य और वीडियोस देखने के लिए आप पुष्टि टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नई सामग्री के वीडियो के साथ अब हम मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।